हेलो एवरीवन वेलकम बैक बाइक काना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिलेज स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप सहीसल फाइबर्स ठीक है जो कि बॉटनी में एक फ़ाइबर क्रॉप है जिसका नाम होता है एगैब सी सी लैना इससे मिलने वाले फ़ाइबर्स और उन फाइबर्स के यूटिलाइजेशन उनके एप्लीकेशन हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट इन फॉर डेवरी लाइफ एंड आवर इंडस्ट्रियल <coughs> पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड बाय विच फाइबर क्रॉप देखिए थर्मोप्लास्टिक एक टाइप का आर्टिफिशियल केमिकल्स दैट ऑप्टेड फ्रॉम द वेजिटेबल्स स्पेशली ए प्लांट बेस्ड मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल लेवल पे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं थर्मोप्लास्टिक जैसे आज हम देखते हैं डिस्पोजल्स हमने अपने थ्री के लेक्चर में पूरा एक पिक्चर्स आपको दिखाया है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होती है और कौन कौन से इससे प्रोडक्ट बन सकते हैं अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेट मैन्युफैक्चर्ड बाय बिच फाइबर क्रॉप कौन से फाइबर से थर्मोप्लास्टिक बनाई जाती है सिंपल ये बताना है और जो चार फाइबर क्रॉप आपके यूपी पी जी टी स्लेवर। जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश <coughs> ए सी उसके सिलेबस में चार फाइबर क्रॉप हैं जबकि यू पी पी एस सी लेक्चरशिप जी आई सी का जो आजकल एप्लीकेशन आई हुई है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है हमारा उसमें फाइबर क्रॉप की बात करी गई है इनका कोई नंबर नहीं है कोई नेम से डिफाइन नहीं है कौन कौन से हमें प्लांट्स पढ़ने हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीसल फाइबर भी इम्पॉर्टेंट क्रॉप है फाइबर प्रोड्यूसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो थर्मोप्लास्टिक का जो कॉन्सेप्ट है इससे पहले हमने आपको बताया था बायोप्लास्टिक्स ठीक है अवाका फाइबर्स के कंसर्निंग इसी तरीके से थर्मोप्लास्टिक जो बनाई जाती है वो बनती है सीसल फाइबर से ठीक है सीसल एक प्लांट है जो हमारा थ्योरी का लेक्चर देखें उसमें पूरी तरीके से सीसल फाइबर्स बॉटनिकल लेम्स फैमिली उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बॉटनी प्लांट की उसके एप्लीकेशंस फाइबर के करेक्ट्रिस्टिक्स एंड फाइबर के यूटिलाइजेशन के बारे में बात करी गई इससे पहले भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन दिस सेम क्रॉप आपको ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखिए तो आपको इस पर लगभग थर्टी और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सीसल क्रॉप पे कम्प्लीटली बेस्ड हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक मैनुफैक्चर बाय विच फाइबर क्रॉप तो आंसर आपका होना चाहिए सीसल ठीक है सीसल क्रॉप होती है यह हम बोल सकते हैं सीसल फाइबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गाइज इस प्लांट के कंसर्निंग अगर फाइबर क्रॉप से कुछ क्वेश्चन आता है और स्पेशली के केस में तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीकोजेनिन ए स्टेरॉयड सेपोनिन देखिए गाइज एक केमिकल कंपाउंड होता है जो प्लांट में पाया जाता है स्टोरायड का मतलब होता है कि स्पेशल टाइप का केमिकल फार्मूला देखा होगा जिसमें रिंग्स होती है जैसे स्टोराइड कोलेस्ट्रॉल उस तरीके तो हिकोजेनिन एक स्टोरॉय सेपोनिन इज यूज्ड एज मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्टिसोन आप सुना होगा कार्टिसोन जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायरॉइड उससे दो हार्मोन निकलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे बोलते हैं इपिनेफरिन नॉन इपी, इपी जिसे हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स उसी का एक मॉडिफिकेशन है कार्टिसोन उनका दूसरे नाम होते हैं कार्टिसोन तो कार्टिसोन जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं हार्मोन आप टेंड फ्रॉम विच फाइबर क्राप देखिए जो क्राप है जिससे फाइबर मिलता है उस फाइबर क्राप के जो जाइलम में और फ्लोएम में जो जूस होता है जिसे हम सैप बोलते हैं उनसे एक केमिकल मिलता है जिसका नाम होता है हिकोजेनिन और हिकोजेनिन से हम बना के आ रहे हैं आजकल कार्टिसोन जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज़ के लिए हम इंसुलिन बाहर से बनवा रहे हैं इसी तरीके से हिकोजेनिन से हम क्या बना रहे हैं कार्टिसोन बना रहे हैं ठीक है तो ये जो एप्लीकेशन से किस फाइबर क्राफ्ट के सैप में किस फाइबर क्राफ्ट के फ्लड में हिकोजेनिन पाया जाता है दैट आर यूज टू मेक कार्टिसोन दैट इज ए प्ला लाइक केमिकल तो गाई ये जो आपका करेक्ट आंसर है ये भी सीसल की प्लांट जो होती है जिसे हम बोलते हैं बॉटनी में ए गैब सीसी ठीक है ये प्लांट होता है इससे जो फाइबर मिलते हैं उन्हें बोलते हैं सीसल फाइबर्स और इसी प्लांट के अंदर जो फ्लड्स होता है फ्लूड होता है जो सैप होता है जाइलम के अंदर उसमें जो एक स्ट्रॉयड सेपोनेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं हिकोजेनिन हिकोजेनिन से हम बना रहे हैं आजकल कार्टिसोन ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात बोलेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ सीसल फाइबर्स इंक्लूड्स इस क्वेश्चन में हमें यह बात करना है कि कहाँ कौन सी बातें जो हैं वो एप्लीकेशन मतलब यूज़ में आ रही हैं सीसल फाइबर के या नहीं आ रही हैं गाइस देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है पेपर एंड फाइबर बोर्ड, बोर्ड मैन्युफैक्चर में सीसल फाइबर जो होते हैं यूज होते हैं उसके बाद पैडिंग इन मोटर कार्स मोटर कार की जो पैडिंग आपने देखा जो गद्दी वगैरह होती है उनके अंदर जो फाइबर्स होता है वो कौन से फाइबर्स होते, है? होते हैं वो सीसल फाइबर्स होते हैं बाइंडर एंड वेलर ट्वेंस मैनुफैक्चरिंग मतलब जो बाइंड करने वाली जो रस्सी बनाई जाती है स्पेशली किस चीज़ को बांधना है तो बाइंडर एंड वेलर ट्वेंस मैन्युफैक्चरिंग इसके बाद आता है फ्लोर जो हमारा फर्श वगैरह जो कवरिंग होती है या बाल कवरिंग या रूफ कवरिंग आज आपने सुना होगा आजकल बालों में जो मैट हो रहा है जैसे बोलते हैं तो उनके बारे में फ्लोर कवरिंग बाल कवरिंग एंड रूफ कवरिंग ये तीन चीज़ें होती है मैं देखो जमीन होता है दीवार होती है और फर्श होता है तो इन तीनों तरीकों को कवर करने वाली जो मैट आ रही है वो इन्हीं फाइबर्स की बनाई जाती है और ये जितने भी बातें हैं कि पेपर एंड फाइबर बोर्ड में पैडिंग इन इनमोटर कार्स बाइंडर एंड बिलर टू इंस मैनुफैक्चरिंग और फ्लोर कवरिंग्स एंड बाल कवरिंग्स एंड रूफ कवरिंग्स में सीसल फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं आज के टाइम में बहुत ही इमर्जिंग फाइबर्स हैं दैट्स नोन एज फाइबर ऑफ फ्यूचर या फ्यूचर फाइबर क्या क्या इन्हें हम बोलते हैं सीसल फाइबर फाइबर ऑफ फ्यूचर तो करेक्ट सभी हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम फोर में बात करते हैं कि इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग फाइबर टाइप मतलब कौन सा फाइबर टाइप हैविंग दी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेंसाइल स्ट्रेंथ एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है इसके बिहार पे हम ये आइडिया कर सकते हैं कि ये फाइबर इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है हमारी है उसमें कितना ज़्यादा एप्लीकेबल है ठीक है गाइस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन से फाइबर में पाई जाती है तो इसमें देखते हैं आपका सबसे ज़्यादा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है वो हेम्प में पाई तो जाती है क्वेश्चन ज़रा थोड़ा ध्यान रखें यहाँ शीतल का नाम नहीं है हेम्प ठीक है जो हमने आपको अभी से पहले पढ़ाया था जिसका नाम होता है सैटिबस हेम्प प्लांट ठीक है आल्सो ए फाइबर क्रॉप तो इससे भी फाइबर मिलता है तो हेम्प के जो फाइबर्स होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है इससे ठीक है करेक्ट आंसर आपका सी क्वेश्चन नंबर फाइव में हम बात करेंगे कि इसके अपोजिट जस्ट की इन विच आ फॉलोइंग फाइबर टाइप हैविंग द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए मैक्सिमम तो हमने देखा हेम्प फाइबर में होती है और मिनिमम टें साइल स्ट्रेंथ किस फाइबर में होती है कहने का मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली अनसुटेबल फॉर दी जो कपड़ा फॉर्मेशन होता है जो फैब्रिक फार्मेशन होता है फैब्रिक मैनुफैक्चर में बिल्कुल अनसुटेटल फाइबर्स कौन सा क्वायर कॉटन कौर, हेम्प एंड सी सिल आप देखो कॉटन तो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में यूज होता है तो इसकी तो मैक्सिमम मतलब होगी मगर हेम्प की इससे भी ज़्यादा होती है क्योंकि फाइबर जितना लंबा हुआ टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो इसलिए कि क्वायर नारियल का जो फाइबर्स होता है आपने देखा होगा उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम होती सबसे कम होती है तो करेक्ट आंसर आपका ए क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बात करते हैं बफिंग क्लॉथ मैन्युफैक्चर बाई काफ़ी सिग्निफिकेंट एंड यूनिक क्वेश्चन अबाउट दी सीसल फाइबर्स बफिंग क्लॉथ आपने देखा होगा जब आप uh, आभूषण वगैरह लेने जाते हैं तो उन आभूषणों के नीचे जो कपड़ा दिखता है आपको वो उसे बोलते हैं बफिंग क्लॉथ और दिस जो क्लॉथ होता है किससे बनाया जाता है आपका ये बनाया जाता है सीसल क्लॉथ सीसल फाइबर से ठीक है क्या एगैब क्वेश्चन नंबर सेवन में हम बात करते हैं ये भी क्वेश्चन एक uh, मतलब मैकेनिकल इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनसे रिलेटेड है इनमें भी फॉलोइंग फाइबर टाइप हैविंग मिनिमम मॉडुलस ये भी प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी का भी सिग्निफिकेंस है इनके एप्लीकेशन इंडस्ट्री में कि भाई मॉडुलस ज़्यादा है मॉडुलस कम है तो किन फाइबर्स का मॉडुलस सबसे कम होता है कॉर हेम कॉटन जूट तो जूट का जो मॉडुलस होता है वो सबसे कम होता है ठीक करेक्ट आंसर डी इसके बाद बात करते हैं फ़ाइबर विद हाई डेंसिटी देखिए डेंसिटी आप समझते होंगे जैसे हम पढ़ाते थे फिजिक्स में मास और बायल्यूम के साथ जो रिलेशन होता है उसके साथ निकलता है डेंसिटी तो फाइबर विद हाई डेंसिटी कौन से फाइबर्स होते हैं तो ये होते हैं कॉटन के फाइबर्स ठीक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाई डेंसिटी इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कि वो फाइबर जो अच्छे होंगे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो होंगे उनकी हाई डेंसिटी वाले होंगे जैसे कॉटन क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉटन यूज होता है अनचैलेंज चैलेंजेबल फाइबर इन दॉ टेक्सटाइल इंडस्ट्री टुडे उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर नाइन में बात करते हैं कि फाइबर विद लो डेंसिटी ये भी इम्पॉर्टेंट काटन की सबसे ज़्यादा है तो अपोजिट इसकी कौन होगा क्वायर देखिए क्वायर की डेंसिटी सबसे कम होती है और वो भी क्वालिटी सबसे कम थी क्वायर में कौन सी इससे पहले हमने बताई थी आपकी ये मिनिमम मॉडुलस भी कम है और डेंसिटी भी कम है इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में ये भी क्वेश्चन अपने आपका एक करेक्ट्रिस्टिक क्वेश्चन है डार्ट बोर्ड मैन्युफैक्चर्ड बाई ठीक है ये हमारे थ्री के लेक्चर में देखें डार्ट बोर्ड क्या होते हैं पूरा हमने फिगर्स डायग्राम्स इसके लगाए हैं आपको बताया है तो डार्ट बोर्ड मैनुफैक्चर्ड बाई मतलब किन फाइबर से डार्ट बोर्ड बनाए जाते हैं तो गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीशल फाइबर से इसके बाद रूफिंग टाइल्स जैसे हम पहले दोनों में होता नहीं ओल्ड टाइम में खपड़ाइल वगैरह होता उसी टाइम का जो आर्टिफिशियल आ रहा है फाइबर वाला जो खपड़ाइल आ रहा है जिन्हें बोलते हैं रूफिंग टाइल्स तो वो किससे बनाया जाता है इस क्वेश्चन नंबर एलेवन का करेक्ट आंसर बी वो भी सीसल से बनाया जाता है देखिए हमने बताया ना रूफिंग का बाल का और क्या रह गया फ्लोर का जितनी तरीके की जो होती है टाइल्स ये सब आज के टाइम में जो आ रहे हैं आर्टिफिशियल वो सीसल क्रॉप से आप ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन ये जनरल साइंस में भी आता है कि विच फाइबर रिकोगगनाइज्ड एज फ्यूचर फाइबर्स मतलब फ्यूचर के जो फाइबर्स होंगे हमारे आगे वाले टाइम में इनकी एप्लीकेबिलिटी लगातार बढ़ रही है तो फ्यूचर फाइबर्स के फार्म में हम जानते हैं सीसल फाइबर्स को बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है इसके बारे में फाइबर्स ऑफ फ्यूचर या फ्यूचर फाइबर्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन में विच फाइबर यूज इन हे मेकिंग देखिए आपने सुना होगा हे एक आपने इम्यूनोलॉजी अगर पढ़ी होगी कभी जुलॉजी में तो एलर्जी होती है हे फीवर होता है जो रि रिसिन कम्युनिस्ट प्लांट्स होता है जैसे हम बचपन के टाइम में बोलते थे आप जो हवा में घूमती रहती थी बुढ़िया बोलते थे वो गले वगैरह पर लग जाती तो एक स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है ऐसा बोलते थे बस सच्चाई पता नहीं क्या है एक टाइप का हे तो हे मेकिंग कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है या ऐसी कुछ गेम्स होते हैं जिसमें हे है का मतलब हमें ये आकाश में जो एटमासफेयर में हे मेकिंग करना पड़ती वहाँ पर मतलब धुंध टाइप का क्रिएट करना पड़ता है तो उसके लिए कौन से फाइबर यूज होते हैं कहने का मतलब इस्माल स्मॉल जो बुरादा होता है जो बिल्कुल रुए टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है वो उसके कौन से फाइबर इस्तेमाल किए जाते हैं? तो हे मेकिंग आप एप्लीकेशन है तो हे मेकिंग में यूज होने वाले फाइबर्स कौन से होते हैं सिंपल सा ये है कि विच फाइबर्स यूज इन मेकिंग तो ये आपके सीसल फाइबर्स देखिए, फाइबर फाइबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस सेक्शन फैंसी आइटम लाइक पर्स एंड बाल हैंगिंग देखिए बाल हमने बताया ना बाल हैंगिंग पर्स और फ्लोर तीनों बातें आई थी और एक नया बात फैंसी आइटम जो बन रहा है पर्सेज वगैरह जो होते हैं लेडीज़ वगैरह लेडीज़ पर्स जो होती हैं लड़कियाँ टांगते हैं फैशन में वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपके बनते हैं सीसल फाइबर्स से तो आपने देखा सीसल फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर्स ठीक है हे मेकिंग बफ बफ क्राफ्ट और आपका ये पर्स रूफ बाल फ्लोर टाइप की हैंगिंग्स में सब में काम आता है तो गायज ये कुछ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन थे जो कि सीसल फाइबर से पूरी तरीके से मतलब उसी के ऊपर बेस्ड थे थैंक यू वेरी मच गाइज